एल फॉर लायन। सिंहनी एक त्राल पड़े अने बीजा जानवरो ऊबी पूंछड़ीए भागे। सिंहनी सवारी निकले अने बद्धा सलाम भरवा लागे। एनु कारण छे सिंहनी बहादुरी, सिंहनु सत्व अने निडरतापण। आपणा जीवन ने आवी बहादुरी अने सत्वथी शणगारी देवू जोईए। अड़ग मनना मानवीने हिमालय पण नड़तो नथी अने डरपोक मनना मानवीने उंबरो पण जड़तो नथी। आ चार लाइनों अर्थ एवो छे, जे मनथी बहादुर छे एना रस्ता पर हिमालय आवे तो पण हिमालय ने हटवू पड़े। मतलब के हिमालय जेवी मुसीबतो बहादुर माणस ने कशु न करी शके। अने जे माणस डरपोक छे एने घरनी बहार जवानो रस्तो पण सूझतो नथी। तो पछी बहार जईने मुसीबतोनो मुकाबलो करी विनर थवानी वात ज क्यां रही? वीर विक्रमनी सत्वशीलतानी वात जाणवा जेवी छे। बन्यु तू एवुं, राजा विक्रम सूता हता त्यारे एमने सपनामां एक लेडी देखाय छे। एमने कह्युं, केम राजा, मने ओळखी? हूँ कीर्ति देवी, वर्षोथी तमारा महल में अदृश्य रीते रहती हती, तेथी तमारू नाम, तमारी कीर्ति आखी दुनियानी अंदर हती। हवे तमारू पुण्य परवार्यू छे, माटे हूँ जाऊँ छू। विक्रम राजाए जाने कशु थयू ज नथी एम कह्यू। एम जवू छे? सारू सारू जाओ। थोड़ी वार मां बीजा देवी देखाय छे। एमणे कह्युं, विक्रम राजा, मने ओळखी? हूँ बुद्धि देवी, वर्षोथी तमारा महल में अदृश्य रीते रहती हती, तेथी तमारो बुद्धिनो पारो क्यारे नीचो नथी आवतो, पण हवे तमारू पुण्य परवार्यू छे, माटे हूँ जाऊँ छू। राजाए एज रीते जवाब आप्यो। एम जवू छे? सारू सारू जाओ। अने बुद्धि देवी निकली गया। थोड़ी वार पछी लक्ष्मी देवी आवे छे। एमणे कह्युं, राजन, हूँ लक्ष्मी देवी, कीर्ति अने बुद्धि देवीनी जेम हूँ पण तमारो महल छोड़ीने अहींथी जाऊँ छू, कारण के तमारू पुण्य परवार्यू छे। अने राजाए एज सहजताथी तेमने विदाय आपी। सवार थवा आवी त्यारे राजा ने स्वप्नमां एक पुरुष देखाय छे अने राजा ने कहे छे, वीर विक्रम, हूँ पण जाऊँ छू, सुखेथी रहेजो। त्यारे विक्रम पूछे छे, तमे कोण, तमारू नाम शू? त्यारे पुरुषे कह्युं, मारू नाम सत्वपुरुष छे। अने विक्रम पथारीमांथी बैठो थई जाय छे। बाजूमां पड़ेली तलवार हाथमां लै छे अने कहे छे, हे सत्वपुरुष, बहादुरी मारू जीवन छे अने तमाराथी एम नहीं जवाय। मारी साथे युद्ध करो, मने हरावो, पछी ज जवाशे। सत्वपुरुष विचार करे छे, हूँ आना जीवनमांथी बहार निकली गयो छू, छता पण आनी अंदर केटली बहादुरी छे? आवो बहादुर पुरुष बीजे क्या मळशे? एना करता अहीं ज रही जाओ, एमां ज मारी शोभा छे, भले पुण्य एनु परवार्यू छे। आपणे तो आज माणस साथे रहीशुं एम विचारीने विक्रमने कहे छे, विक्रम, तारी बहादुरीथी हूँ प्रभावित थयो छू, माटे हवे मैं जवानो विचार कैंसल कर्यो छे, हवेथी हूँ हमेशा अहीं ज रहीश। आ वात सांभळ्या पछी विक्रमे तलवार नीचे मूकी। रात बाकी हती माटे पथारीमां आड़ा पड़े छे। त्यां तो त्रणेय देवीओ पाछी आवे छे अने कहे छे, राजन, अमे तमारा महेलमां पाछा रहेवा आवीए छीए।
ત્યારે રાજા પૂછે છે, કેમ તમારે તો જવાનું હતું ને? ત્યારે દેવીઓ કહે છે, જ્યાં સત્વપુરુષ હોય ત્યાં જ અમે રહીએ, માટે તમારા મહેલમાં રહેવાની અનુમતિ આપો। આપણા યોગસાર શાસ્ત્રમાં આ જ વાત કહેવામાં આવે છે, સર્વમ સત્વે પ્રતિષ્ઠિતમ। કોઈના ગમે તેવા સ્ટેટમેન્ટથી પોતાની સારી પ્રવૃત્તિમાં ઢીલો ન પડે એ બહાદુર પુરુષ। તમારી પાસે સત્વ છે તો બધી જ વસ્તુ તમારા ચરણોમાં આવી જશે। પ્રશ્ન થાય કે બહાદુરી કોને કહેવાય અને બહાદુરી ક્યાં બતાવવી? એનો જવાબ એ છે, બહાદુરી એટલે મનની મક્કમતા, અને એ બહાદુરી સંસ્કારોના રક્ષણમાં છે। શ્રદ્ધાની રક્ષા, સદવિચારોની રક્ષા, સદાચારોની રક્ષા, સન્મિત્રની રક્ષા, સિદ્ધાંતોની રક્ષા, સંઘની રક્ષા, સંતની રક્ષા અને સેવા, સારા સંબંધોની રક્ષા, સત્કાર્યોની રક્ષા, સજ્જનની રક્ષામાં બહાદુરી કેળવવાની। મગજથી ગંભીર, સ્થિર અને વિચારશીલ બનીને બહાદુર બનવાનું। ખોટી બાબતોમાં ક્યારે બહાદુર ન બનવું, એમાં કેળવેલી બહાદુરી હકીકતમાં ઉન્માદ છે, બહાદુરી નથી। ઉન્માદી માણસ સાચા ખોટાને સમજે નહીં, માટે જીવનમાં આગળ ન આવી શકે। બહાદુર માણસ જ જીવનમાં આગળ આવી શકે।